कोविड-19 महामारी के थर्ड वेव के आशंकाओं को देखते हुए एवं इससे संबंधित तैयारी तथा जिले में व्याप्त बिजली संकट एवं उसके निराकरण के संबंध में बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी अधिकारियों के अलावा बोकारो जिले के सभी विधायक एवं सांसद भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि थर्ड वेव की तैयारी को लेकर हम काफी सतर्क हैं तथा अधिकारियों एवं कर्मियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्युत की समस्या उत्पन्न हुई है, इसका कारण है पर्याप्त बिजली का आपूर्ति नहीं होना। बोकारो चास में 60 से 70 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन यहां 30 मेगावाट बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि फुदनीडी विद्युत ग्रिड डी 2 दिनों के भीतर शुरू हो जाएंगे, बाकी जो 2 ग्रिड हैं उन्हें भी शीघ्र चालू किए जाएंगे। बोकारो विधायक बिरची नारायण ने कहा कि जिला प्रशासन सकारात्मक कदम उठाए हैं। वहीं बेड़मो विधायक जय मंगल सिंह ने कहा कि सरकार एवं जिला प्रशासन थर्ड वेव के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। जबकि गोमियो विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि जिला प्रशासन ने सकारात्मक जवाब दिया है, उम्मीद है समस्याओं का हल शीघ्र ही किया जाएगा। वहीं चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावड़ी ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बिजली की समस्या शीघ्र ही दूर की जाएगी, जबकि थर्ड वेव के लिए भी जिला प्रशासन व्यापक तैयारी कर ली है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दो जो है मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई आज, तो कोविड का थर्ड वेव है उसको लेके चर्चा हुई, उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारियां करनी है और जो भी गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, इस पर समेकित रूप से चर्चा हुई। और क्षेत्र से जितने भी हमारे माननीय विधायक जन आए हुए थे, सांसद महोदय आए हुए थे, उनका भी सुझाव लिया गया और उस दिशा पे कार्य करने का निर्देश दिया गया है संबंधित पदाधिकारियों को। और दूसरा जो है बिजली की समस्या पर जो है गंभीरता से चर्चा की गई, PCR लैब स्टैब्लिश हो जाएगा यहाँ। इसके अलावा बिजली पर अहम चर्चा हुई, जिसमें फुदनीडी पावर सब स्टेशन बैठक में बताया गया कि 3 दिनों के अंदर वो चार्ज हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 पावर ग्रिड है उसमें चूंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस में परेशानी हो रही है जैनम और पावर ग्रिड के लिए, तो बंगाल के रास्ते उसको लाया जाए। वो मैंने रोस्टर बनाने की बात की है कि चास में जो बिजली का प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा रहेगा अगर रोस्टर बना दिया जाए तो सुविधाजनक। को लेकर के जो चर्चाएं थी उसको हम लोगों ने भाग लिया और प्रशासन को इस थर्ड वेव नहीं आए इसके लिए ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं, यदि आ जाए तो कैसे इसका हम लोग सामना करें उसको देखें। सांसद जी ने और हम लोगों ने विशेष रूप से कहा है जो वेदांता ने 100 बेडेड अस्पताल लगाया है, वो चंदन कैरी का जो पूरा क्षेत्र है जो 50 किलोमीटर में 60 किलोमीटर में जो फैला हुआ क्षेत्र है, वहाँ एक भी अस्पताल नहीं है और वहाँ लगना चाहिए था, नहीं लगने के कारण जनता में आक्रोश है। कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर और बिजली की समस्या से संबंधित बैठक में, इसमें क्षेत्र के कई लंबित परियोजना है जैसे ललपड़िया और सारण में सब स्टेशन बना हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ रहा, उस पर आश्वासन मिला कि शीघ्र ही दोनों को सब स्टेशनों का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही मायापुर में पावर ग्रिड बनना था जो नहीं बन पा रहा है, 2 वर्षों से लंबित है, इसको लेकर बात हुई है, सकारात्मक आश्वासन मिला। हम लोग ने बात किया है IDPC के अधिकारियों से, निश्चित तौर पर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी, आप पे केस भी होगा। ये पूरे एक स्वर में सभी विधायक और सांसदगण और उपायुक्तगण और जितने भी अधिकारी उन्होंने बोला है, प्लस उनके बीच में और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। लोड शेडिंग DVC से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है उसको सेंसर से ये चेकअप नहीं कर पा रहे हैं, उनका जंपर बहुत ज़्यादा लूज हो जा रहा है, जो पुराने जंपर्स हैं उनको ठीक करने के लिए इन्होंने बोला है कि 1 हफ्ता के अंदर हम सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे। और You've never known. Welcome to a journey
you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.